गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने नाल तीन सिख गिरफ्तार किए गए। इन सारों दिल्ली की कोतवाली के बंद किया गया। बंद करके 4 नवंबर 1675 का दिन चढ़िया। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को पकड़ के दिल्ली दरबार के साफी खान के सामने पेश किया गया। दिल्ली का जिहड़ा इंचार्ज औरंगजेब तो बाद जिहड़ा दिल्ली नूं चला रहा कमांड कर रहा साफी खान, उत्थों का काजी है जिहदा नाम अब्दुल हवाब है। अब्दुल हवाब एक नंबर का सब तो वड्डा भ्रिष्ट मनुख है। उन्हें बहुत सारे झूठे ते गलत फैसले किए, लोगों के कोलों पैसे लैके, लोगों के कोलों माया लैके। गुरु नानक साहब महाराज ने बाणी दे विच बचन कहे से, काजी लोगों कोलों रिश्वत लैके झूठे फैसले करदा है, ते जे कोई पुछे कहिंदा कुरान दे विच लिखिया, ते एक पासे हाथ च उन्हें माला पकड़ी है ते दूजे हाथ च कुरान भी पकड़ी है। सतगुरु जी ने बचन कहे से, काजी होए के बहे न्याए, फेरे तस्बी करे खुदाए, वड्डी लैके हक गवाए, जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। ये जेड़ा काजी भ्रिष्ट हो चुका से, इदा ही वो जेड़ा अब्दुल हवाब काजी से सब तो वड्डा भ्रिष्ट हो चुका से। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नू 4 नवंबर 1675 वाले दिन काजी अब्दुल हवाब ते साफी खान के सामने दिल्ली दरबार विच पेश किया गया। साफी खान ने पहले दिन बड़ी चलाकी दे नाल सतगुरु साहब जी नू आओ भगत किया, जी आया किया, नाल ही बड़े प्यार दे नाल पहले दिन मनाउण दा जतन किया कि तुसी ये जेड़े भारत के पुजारी लोग इन्हां दी बांह पकड़ी है वह छड़ देवो। नाले क्या गया कि तुसी कोई करामात दिखा देवो। जदों सतगुरु साहब जी ना मने तो फिर अगले दिन 5 नवंबर वाले दिन साफी खां सख्त होया, सख्ती दे नाल पुछन लग्या जां ते करामात दिखाओ, जे नहीं दीने इस्लाम दे विच आ जाओ, इस्लाम नू कबूल कर लवो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जिन्हां ने समुची गुरबाणी दे विच इत्थों भारत दे लोकां नू इह दृढ़ निश्चा करवाया से, ना असी किसे दे कोलों डरदे हाँ, ना असी किसे नू डराउंदे हाँ। भै काहू को देत नहि, नह पै मान तान, ना डरदे हाँ ना किसे नू डराउंदे हाँ। जिहड़े सतगुरु ने बाणी विच कहा होवे उह सतगुरु दिल्ली दरबार दे विच जा के किवें डोल सकदे सन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जदों ना मन्ने हुण दोबारा उन्हां नू कोतवाल दे विच भेज दिता गया। 6 नवंबर वाले दिन काजी खुद चल के कोतवाली विच आया, कहन लग्या जे दोवें फैसले प्रवान नहीं तो फिर कतल होने वास्ते तैयार हो जावो। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नू कतल दे डरावे देन लग्या, जेड़े गुरु ने बाणी दे विच कहा होवे जो उपजो सो बिण सहै, परो आज के काल जेड़े गुरु ने कहा जो चीज़ धरती ते पैदा हुंदी है उन्हें एक दिन खत्म होना ही होना है। जेड़े गुरु ने उदाहरण दे के समझाया होवे राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, समुची गुरबाणी दे विच जां ते मौत दी गल है जां फिर त्याग ते वैराग दी गल है। उस गुरु नू उस वक्त दा काजी जिहड़ा डराउण दा जतन करदा पिया, सतगुरु साहब जी ने साफ तौर ते इनकार कर दिता। फिर 7, 8 ते 9 तीन दिन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नू दिल्ली दी कोतवाली दे विच भयानक तसीहे दिते जांदे रहे। किसी तरीके दे नाल गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम दे विच आ जाना। इतिहास आखदा है उन्हां नू गर्म कीतियां होईयां लकड़ां जिहड़ियां उन्हां दे तन दे नाल लाईयां गईयां, गर्म गर्म पानी दीयां बुछाड़ां उन्हां दे शरीर ते कीतियां गईयां, ते होर बहुत सारे भयानक तसीहे तीन दिन सतगुरु नू दिते जांदे रहे। जदों गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने निश्चे दे उपर दृढ़ रहे ते फिर काजी ने उस वक्त फरमान जारी किया कि इस दे सामने इहदे ही सिखां नू जिहड़ा भयानक तसीहे दे के शहीद किया जाए। 10 नवंबर 1675 का दिन चांदनी चौंक दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नू एक तंग पिंजरे दे विच बंद किया गया। उन्हां दीयां अखां दे सामने सारियां तो पहला सत्कार जो गुरु के सिख भाई मती दास जी नू लकड़ां दे विच बन के आरे दे नाल चीर दिता गया।
आस्ते आस्ते आड़े दे दंदे चलते गए, शरीर जेड़ा दो दफाड़ हुंदा गया, भाई मती दास जी नूं आड़े दे नाल चीरिया गया। उस तों बाद भाई दयाला जी नूं नेड़े ही एक खूही सी, खूही दे विचों पानी कढ़ के देग गर्म करके उस उबलदी हुई देग दे विच उबाल दिता गया, ते भाई दयाला जी दे पिंजरा जेड़ा वह वक्ख हो गया, हड्डियां वक्ख ते मास जेड़ा वक्ख हो के वह शहादत दा जाम पी गए। तीसरे गुरु के सिख भाई सतीदास जी नूं रूह दे विच बन्निया गया, आले दुआले शरीर दे रूह बन के ते उन्हां नूं जींदियां नूं अग ला दित्ती। रूह दे विच लपेटे हुए भाई सतीदास शहादत दा जाम पी के सड़ गए, केवल ते केवल हड्डियां बचियां, वह धरती दे उपर डिग पे। मैनू खिमा करो गुरु के सिखो, जेड़ी दिल्ली दा काम ही साड़ना होवे, चाहे 10 नवंबर वाले दिन सतीदास दे रूप विच साड़िया होवे, चाहे फिर 1 तों लैके 5 नवंबर तक 84 दे विच गलां च टैर पा के साड़िया होवे, जेड़ी दिल्ली दा काम ही साड़ना है उन्हें कदे रूह च लपेट के साड़िया ते कदे गलां च टैर पा के साड़िया, पर यह गल पक्की है दिल्ली ने हमेशा साड़िया ही साड़िया है। उस वक्त तीनों गुरु के सिख शहादत दा जाम पी गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कहा गया, देखो जिवें तुहाडे इन्हां सिखां नूं बेरहमी दे नाल शहीद किया गया है, इन्हां दे वल वेख के हुण ते मन जाओ, नहीं तां तुहाडे नाल भी इहो जिहा विहार किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने प्रसन्न होकर कहा सी, काजी तैनूं समझ नहीं आई, जेड़े एक गुरु दे सिख नहीं डोल सके ते उन्हां दे गुरु नूं डलाउन दियां तू किहड़ियां गल्लां करदा पिया। मैनूं खिमा करियो, जिस दिन हजरत ईसा नूं गिरफ्तार किया गया, पकड़िया गया, उन्हां दे नाल 13 चेले गिरफ्तार किए गए, जदों उन्हां 13 चेलियां नूं गिरफ्तार किया, ईसा दे सामने खिलार के 13 दे विचों वारी वारी पुछया गया, 10 तू ईसा दा साथ देना है कि साथ छड़दा है, तू इनू जानदा है कि नहीं जानदा। वह 13 दे 13 इन्ने मौत तो डरे, जिंदगी इन्नी प्यारी कि अपने रैबर ईसा नूं मूंह दे उपर कह के चले गए कि असी ईसा नूं नहीं जानदे, 13 दे 13 छड़ गए। इस करके अज तक ईसाइयत दे विच 13 नूं बहुत माड़ा मन्निया गया है, तो ईसाई लोग कदे 13 नूं प्रवान नहीं करते, वह 13 दे 13 छड़ के दौड़ गए। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के सामने 3 सिख, एक एक सिख नूं भयानक तसीहे दे के पुछया जा रहा कि 10 गुरु तेग बहादुर का साथ छड़ना कि नहीं छड़ना, तीनों शहादत का जाम ते पी गए, लेकिन छड़ के कोई भी नहीं गया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं दोबारा कोतवाली दे विच लिया के बंद कर दिता गया, सारे पासे ढंडोरा पटवा दिता, दिल्ली दे विच ढोलचियां ने जाके ढोल वजाव जाके लोगों नूं दस्या कि कल नूं 11 नवंबर वाले दिन दोपहर तो बाद सिखां दे 9वें गुरु नूं चांदनी चौंक विच कतल किया जाएगा, सारे लोग टाइम सिर आण के अपनी अपनी थां नूं मल के बैठ जाण। 11 नवंबर 1675 का वह दिन चढ़िया, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी उस बरेटे दे रुख दे थले आण के बैठे, ते आले दुआले लखां दी गिनती विच वेखण वाली भीड़ है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उस खूही दे विचों इशनान किया है, इशनान करके बरेटे दे रुख थले बैठे है, सतगुरु ने जपजी साहब जी का पाठ आरंभ किया है। हुण आखरी वार काजी फिर पुछण वास्ते आया, दसो इस्लाम कबूल करना है कि नहीं करना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इनकार कर दिता। उस काजी ने हुक्म किया कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को शहीद कर दिता जाए, कतल कर दिता जाए, उन्होंने शरीर के 4 टोटे करके दिल्ली के 4 दरवाजों के उपर एक एक टोटा टंग दिता जाए, ताकि कोई बाद विच भी हकूमत के नाल टक्कर लैन वाला ना होवे, ना हकूमत के सामने कोई सिर चुक सके। दिल्ली के 4 दरवाजे है, दिल्ली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, कश्मीरी ते लाहौरी दरवाजा, 4 दरवाजों के नाल 4 टोटे टंगे जाण। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के सन्मुख जलालुद्दीन जलाद आया, उन्हें आण के सामने पत्थर रखिया है, उहदे उपर अपनी तलवार नूं तिखियां कीता, ते तिखियां करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं विखा विखा के तेग दे डराउण दे जतन करदा है, तेग दे नाल
ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कहिंदा है मैं खानदानी जलाद हाँ, मेरी तलवार ने तुहाडा लिहाज नहीं करना, इस करके बादशाह दी गल नूं मन लवो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहन लगे, कहिंदे जलाद खानदानी जलाद होएगा, लेकिन तू मेरे बारे नहीं पढ़िया, मेरे पिछोकड़ बारे नहीं जानिया। जे तू खानदानी जला दें तो मैं भी उन्हां शहीदां दा वारस हाँ जेडे लाहौर दे विच कदे तत्तियां तवियां ते उबलदियां देगां दे विच उबाले खा खा के शहीद होए। मैं भी खानदानी शहीद हाँ। मैं भी खानदानी शहीद हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की उस गलबात नूं पंजाबी दे एक कवि ने अपनी सत्रां दे नाल कलम बंद करदे हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहन लगे मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी एक दोनी परख लै सौ तेगा ओ मैनू लकब तेग बहादुरी दा मेरे सावे नहीं सकदियां हो तेगा मैं ते जमदियां तेगा दी शाम आणी वेख बापू दियां पैनियां दो तेगा मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिया परख दा तेरा प्यो तेगा हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने बाउनियां ओ तेगा ओदी तेग चो जेड़ी तेग निकलू लखां लवेगी तेरियां खो तेगा केड़ी तेग दे डरावे दिंदा है मैनू ते मेरे पिता ने यह लकबी तेग बहादुरी दा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं दुपहर ढलन तो बाद चांदनी चौंक दे विच जलालुद्दीन जलाद ने एक भरवीं तेग दा वार करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं शहीद कर दिता। सतगुरु साहब जी का शीस धर दे नालों अलग हो गया ते उस वक्त शाही पहरा जिहड़ा आले दुआले लगा होया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीस ते धर चांदनी चौंक विच उस चौराहे दे विच पिया है ते कल नूं अगले दिन उहदे चार टोटे करके चार दरवाजियां ते टंगण दे बारे काजी ने कहा होया है। उस वक्त गुरु के सिख सारे दे सारे धर्मशाला दे विच कट्ठे होए किवें कीता जा सके। उह सारे सिखां दा वफद दिल्ली तो एक एक करके बाहर निकलिया ते जमुना दे कंढे दे उपर गड्ढे लैके आ रहे लखी शाह वंजारे दे कोल गया जाके गलबात करके किवें सतगुरु साहब जी दे सीस ते धड़ नूं उत्थों चुकिया जावे। दो टोलियां बनियां, पहली टोली दे विच भाई जैता, भाई उदे, भाई नानू, भाई आग्या राम ए गुरु के सिख चले। दूसरी एक बनी हुई टोली दे विच उस वक्त लखी शाह वंजारा, उन्हां दे पुत्र हेमा जी, भाई हाड़ी जी, भाई नगैया जी, ओ गुरु के सिख चले। पहली टोली ने आण के रात दे उस हनेरे दे विच इउं कह सकदे आ कि कुदरत दा एक करिश्मा सी जिथे इन्नी फौज दा तगड़ा पहरा होवे उहदे विचों आण के भाई जैता जी ते भाई उदे जी ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे सीस नूं उठाया है लिया ते भाई जैता, भाई उदे ते भाई नानू जी दिल्ली तो चल के आनंदपुर साहब की धरती ते आए ते शीश दा संस्कार किया गया। दूसरी बनी हुई टोली दे मुताबक लखी शाह वंजारा ते उहदे पुत्र ते कुछ सिखां ने सतगुरु साहब जी दा धड़ उठाया आ रहे गड्डियां दे विच रखिया ते लखी शाह वंजारा ने घर जाके उस अपने घर नूं अग ला के सतगुरु दे धड़ दा संस्कार किया। जिहड़ा काजी सी, जिहड़े काजी ने फैसला सुनाया कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं शहीद किया जाए, वह काजी उसे दिन ही घर विच गया ते घर विच जाके ऐसा बीमार पिया, मंजी दे उपर जाके बैठ गया, पागल हो गया। उन्हूं संगलां दे नाल बन के उत्थे घर दे विच रखिया गया। 15 दिन मानसिक तौर दे उपर बीमार रहन तो बाद 26 नवंबर वाले दिन वह काजी जिहड़ा उहदी मौत हो गई। जदों उहदी मौत होई उहदे घर दे विचों 33 करोड़ रुपया उस वक्त 33 करोड़ रुपया उहदे तो इलावा बहुत सारा सोना चांदी जिहड़ा उह बरामद किया गया जिहड़ा काजी ने लोगों के कोलों रिश्वत लै लै के भ्रिष्टाचार के रूप में इकट्ठा किया। उस वक्त जदों औरंगजेब हसन अबदाल तो दिल्ली की धरती ते वापस आया गुरु के सिखां दे मन अंदर ऐसा रोह भरिया, ऐसा गुस्सा भरिया कि एक दिन जदों औरंगजेब चांदनी चौंक दे विचों दी लंघदा पिया सी, इह 1676 दी गल है, जुलाई दे महीने जदों लंघदा पिया है, एक गुरु के सिख ने सामने खड़िया वेख्या
कि यह उही बादशाह है जिहदे हुक्म दे नाल साढ़े नौवें पातशाह नूं शहीद किया गया है। उहदे हाथ विच इक डांग सी, उहने वगा के डांग औरंगजेब वाले पासे नूं मारी। इह ते सच सी, गुरु का सिख भी जानदा सी वी मेरी डांग दे नाल औरंगजेब मरन कोई नहीं लगा, पर जदों सिख ने वह डांग मारी औरंगजेब नूं एक गल दी समझ आ गई सी कि सिखां दे मन अंदर किन्ना ज़्यादा रोस है। दूसरी बार औरंगजेब नवंबर का महीना 1676 दे विच जामा मस्जिद दे विच नमाज पढ़ के पौड़ियां तो थले उतरदा पिया सी, जदों गुरु के एक सिख ने सामने तकिया, यह उही बादशाह है जिहदे हुक्म नाल सतगुरु नूं शहीद किया। उसने अपनी तलवार कढ़ी ते दौड़ के गया औरंगजेब वाले पासे नूं वार करन वास्ते। इन्हां चिर नूं उहदे शिपाहियां ने पकड़ लिया, ते पकड़ के भावें सिख नाल कुछ भी बीती होवे पर इह औरंगजेब दे उपर दूसरा हमला सी। तीसरी बार फरवरी का महीना ते सन है 1677। उस वक्त औरंगजेब जमुना के कंढे सैर करने वास्ते गया, बेड़ी दे विचों जदों उतरदा पिया है ते उतर के जदों अपने हाथी ते सवार होण लगा, उस वक्त एक गुरु के सिख ने सामने वेख्या। उहदे कोल कोई चीज़ नहीं, लेकिन उहदे हाथ विच दो रोड़े आए। उहने वगा वगा के गुरु के सिख ने दो रोड़े मारे, भाव यह तीन हमले गुरु के सिखां ने औरंगजेब उपर किते। यह केवल सिखां दे मन विच ओ रोस सी जिहड़ा रोस सतगुरु नूं शहीद करन तों बाद पैदा होया सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की उस शहादत दे बारे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़े बचन कहे, वह कहिंदे तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनू बडू कलू मैं साका। कहिंदे इन्ना वड्डा साका कीता जिड्डां दा साका कोई कर ही नहीं सकिया। अज दे समें दौरान UNO वर्गियां संस्थावां यह गल कहिंदियां ने कि हर बंदे नूं खाण दा पहनण दा रहण दा बोलण दा अपना अधिकार है, लेकिन सच यह सी, यह सच की आवाज पहली बार गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उठाई कि हर बंदे नूं अपना अपना काम करन दा अधिकार है। जेड़े तिलक जंजू विच मेरा विश्वास कोई नहीं, लेकिन उन्हां दी भी जदों हानि हुंदी होवे ते उन्हां दी खातर भी मैं अपना आप कुर्बान कर सकदा। यह मनुखी अधिकारां दी पहली राखी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कीती। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनू बडू कलू मैं साका। एदां दा साका वरताया जिहड़ा कदे कोई वरता ही नहीं सकदा। धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया, अपना सीस कुर्बान कर दिता लेकिन सिदक नूं नहीं छड्डिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपने शरीर का यह ठीकरा दिल्ली के दिल्ली पत के लोगों के सिर पर भन्निया जाके उन्होंने मुबारक बोल कहे सी, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान तेग बहादुर सीक रहा करी न किनहू आण। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के शहीद होण करके संसार विच ओ हाहाकार मची, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। संसार विच हाहाकार मची होएगी पर देवलोक विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की जय जयकार हुई। मैं दो निक्कियां जिहियां बेनतियां करके समाप्ति करन लगे। देखो भारत दे विच एक परंपरा चली आउंदी है कि उस वक्त लोग जिहड़े सन मनुख नूं पकड़ के उहदियां बलियां दिया करदे सी वी देवी देवता कोई खुश हो जाए। वह मनुख तो चले, बाद विच हाथियां दी बली घोड़ियां दी बली। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च एक बचन आया है, महाराज कहिंदे गैंडा मार होम जग किए देवत्या की बाणे, भाव गैंडे वर्गे पंछियां पशुआं की बलि दिती जांदी रही। अज दा वह बलि का रूप बदलिया भी नारियल भन के मंदरां दे सामने रख के है बलि है। वह बलियां दित्तियां जांदियां रहियां कादे वास्ते, किसे दी बली दे के देवी देवते मेरे ते खुश हो जान, लेकिन यह गुरु नानक दा कार होवेगा। किसे नू खुश करन वास्ते किसे दी बली नहीं, बल्कि किसे धर्म नू बचाउन वास्ते सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे घर ने अपने तन नू ही कुर्बान कर दिता होवे, अपने आप दी बली दे के किसे नू बचाया है। भारत दे विच जदों किसे इस्त्री दा पति जिहड़ा चढ़ाई कर जावे ते आम करके उहदे सारे केस मुन दिते जांदे है, ते उहदे लई शब्द किहड़ा वरतदे हो तुसीं सारे जाणदे हो। पर जेकर कोई नौजवान
उहदे सिर दे उपर अपनी चादर पा के उहदी इज्जत दा राखा बन जावे ते उहदे केस कतल होण तों बच जांदी है। सच इह सी जदों इह भारत रंडा होण लग्गिया उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपने तन की चादर पा के इस रंडे होने वाले भारत की इज्जत नूं बचाया है। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ही कर सकते से। सच यह से एक विद्वान ने बचन लिखे, वह कह लगे कहिंदा ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, जिस दज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। केड़े तरीके नाल कोई रण मैदान में शहीद होने वास्ते गया, जिदा दे तरीके नाल गया उन्हां दी शान सलामत रहिंदी है। आशक है जो शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खलोना समझ कर जिसम को खुशी से फोड़ देते हैं, वो अपने जिसम की फिर कदे परवाह नहीं करते। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत नूं याद करने वास्ते बैठे हाँ, उन्हां दे पाए हुए पूरनियां दे उपर चलन का यतन कर सकीए ताकि आप